खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज असर। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जीरो टॉलरेंस की सरकार के भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले काशीपुर के हिमालयन फूड पार्क में बिना मानकों को पूरा किए ही विभागीय एनओसी दे दी गई और नियमों को ताक पर रखकर उद्योग भी शुरू कर दिए गए, जबकि फूड पार्क को लेकर सरकार के नियमों की तो यहां धज्जियां उड़ा ही गईं। वहीं बिना कार्य पूरा हुए आखिर कैसे विभागों ने फूड पार्क को हरी झंडी दिखा दी। इसको लेकर एक शिकायत के आधार पर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है फूड पार्कों को विकसित करना और दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार देना, जिसके लिए औद्योगिक नगरी काशीपुर में करोड़ों की लागत से फूड पार्क विकसित किए गए थे, जहां फूड पार्क को विकसित करने के साथ ही छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित किए जाने थे, जिसके लिए काशीपुर में कई सौ एकड़ में हिमालयन फूड पार्क का निर्माण किया गया। सरकारी तौर पर जिन मानकों को पूरा किया जाना था वो अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि विभागों ने तीन साल पहले ही एनओसी जारी कर दी। जबकि फूड पार्क के मानकों में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि पार्क के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का निर्माण होना चाहिए था और ईटीपी प्लांट भी विकसित किया जाना चाहिए था, किंतु पार्क में ना तो कोई ग्रीन बेल्ट ही स्थापित की गई और ना ही ईटीपी प्लांट ही बनाया गया। यही नहीं, पर्वतीय जिन उत्पादों को बाजार देने की मंशा थी उसके लिए भी कोई ठोस पहल तक नहीं की गई, लेकिन धरातल पर अभी कोई भी मानक पूरे नहीं हुए हैं। इसको लेकर काशीपुर के समाज सेवी द्वारा सूचना मांगी गई। मांगी गई सूचना के आधार पर समाज सेवी ने एनजीटी की कोर्ट में इस संदर्भ में वाद भी दायर कर लिया है। हिमालय फूड पार्क, मैंने हिमालय फूड पार्क के संदर्भ में पॉल्यूशन विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी, जो मैंने वहां जाके देखा, उन जो एनओसी दी गई थी जिन शर्तों पर, वो वहां पर शर्तें पूरी नहीं की गई थी। मैंने उसको देखते हुए एक केस मैंने एनजीटी में दायर किया है, इसकी जांच के लिए डीएम साहब और सेक्रेटरी पॉल्यूशन को आदेशित किया है। अब जो भी जांच में सच्चाई होगी वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। मेन चीज है ग्रीन बेल्ट, जो वहां पे ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए वो वहां पे है ही नहीं, और उसके लिए कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा गया वहां पे, और ईटीपी सेट है वो भी वहां पे नहीं है, और भी बहुत सारी है जो वहां पे नहीं है। भ्रष्टाचार देखो जी, जो भी जो एनओसी देने में सरकार के या सरकारी विभागों के जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे उन सबकी जांच बिल्कुल होगी, और जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन एनजीटी जरूर लेगी। वहीं एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीएम से तीन माह में इन शिकायतों पर जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाए बिना आखिर कैसे एनओसी जारी की गई और ईटीपी प्लांट सहित कई बिंदुओं पर जांच की आख्या मांगी है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो एनजीटी के आदेश उन्हें मिल गए हैं, जिसमें तीन माह में रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके लिए विभाग अपनी कार्यवाही जल्द शुरू करने वाला है। हमसे ये अपेक्षा की गई है कि तीन महीने हम फूड पार्क की एक विस्तृत जांच करते हैं, उन्होंने क्या रह गया है करने को और नहीं किया, ये सब जांच की जाएगी, क्योंकि उन्होंने हम इसको जांच करके मैंने एनजीटी को सौंपा। तो देखिए ऐसा है, सहमतियों की जो कंडीशंस हैं उनका कितना अनुपालन हुआ है ये ही जांच का विषय है। आप इस विषय में बहुत ज्यादा अभी इसमें कहना है जितनी, लेकिन जितना भी उसको जांच हम करेंगे, इसमें और भी कई एलिगेशन हैं कि वो नेशनल ये पार्क से बहुत नजदीक है, ऐसा नहीं है, नेशनल पार्क से नजदीक है लेकिन उसमें एलिगेशन है, तो देखेंगे वो जो संबंधित विभाग है उनसे पूछा जाएगा, वो उसका ईटीपी वगैरह है जो हमने रिपोर्ट अभी देखी है, उसमें ईटीपी की रिपोर्ट ईटीपी है। बहरहाल जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार में अधिकारी कितने बेलगाम हैं ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं अब करोड़ों की लागत से बनने वाले फूड पार्क निर्माण में मानकों की अनदेखी आखिर कैसे अनापत्ति दे दी गई और इसके इशारे पर अधिकारियों की चाबी घूमी है।
ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार के दावों की जरूर पोल खुलती नजर आ रही है। संवाददाता योगेश शैली की रिपोर्ट।